ये है आपका रेड टेप। वीडियो शूट करने में बहुत ज्यादा हालत खराब होती है भाई, गर्मी लग गई, पहन पहन के कपड़े, रेड टेप बोलने के चक्कर में गर्मी लग गई बहुत भयंकर। तुम लोगों को लगता है वीडियोस इतनी आसानी से बन जाती है, भाई कुछ नहीं बनता आसानी से बहुत। गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो शूट करना सच में इजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप वीडियो देखना आपको सच में समझ में आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और कैसे हो सबके सब, आई होप सबके सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं हूँ अपने रूम में, आज मैं ड्रॉइंग रूम में नहीं हूँ, मैं हमेशा अपनी जो वीडियो शूट करता हूँ वो सारी साइड ड्रॉइंग रूम में करता हूँ, लेकिन आज मैं वहाँ पे शूट नहीं कर रहा हूँ। उसका एक रीजन यह है कि जो मेरे पड़ोसी हैं उनके यहाँ पे कोई गेस्ट आए हुए हैं और वहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं और वो बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, कोई रो रहा है कोई क्या कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए मैं आज यह वीडियो अपने रूम में शूट कर रहा हूँ। तो ये आप मेरा रूम देख सकते हैं। तो गाइस आज की जो वीडियो है हमारी वो है जैकेट्स के ऊपर, जो रेड टेप की जैकेट्स हमने मंगवाई थी वो आप लोगों ने देखी थी और उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो उसी का ये रिव्यू वीडियो है, मैंने आप लोगों को तब अनबॉक्सिंग करके वो जैकेट्स दिखाई थी लेकिन मैंने उसका रिव्यू वीडियो नहीं डाला था, मेरे पास काफी सारे कमेंट्स भी आए और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसमें सबके सब लोग मेरे से लिंक मांग रहे थे, लेकिन मैं सच बताऊं आपको मुझे यही नहीं पता कि लिंक कैसे डालते हैं। तो गाइस अभी मैंने सीखा है यूट्यूब से जाकर ही, मैंने देखा कि लिंक कैसे अपलोड करना होता है, वहां पे लिंक कैसे डालते हैं, तो अब वो मैं सीख गया हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो जैकेट अनबॉक्सिंग की पहले वाली वीडियो है उसका लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से जाके पहले वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करने वाला हूं। तो एक हमारी जैकेट थी गाइस, ये यूएस पोलो थी गाइस एक, ठीक है, एक तो ये रहेगी, सेकंड है हमारी ये रेड टेप, ठीक है, ये मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी गाइस सारी की सारी, ये है सेकंड हमारी रेड टेप, ठीक है, तो ये मैंने यूज कर ली है। ठीक है, दूसरी है हमारी ये, ये आप देख सकते हैं दूसरी जैकेट हमारी ये है, ये भी मैंने यूज कर ली है। ठीक है, तीसरी है हमारी सेम ये, ठीक है, तीसरी गाइस हमारी जैकेट है ये वाली, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका है और ग्रीन कलर में भी मैं कहूंगा, बाकी इसका कुछ और नाम होगा तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं इतने टाइम बाद यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या था, मैं दिवाली के टाइम पे अपने गांव चला गया था जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। ठीक है, इसी बीच मेरे पास वीडियोस पे काफी सारे कमेंट्स आए कि उसका रिव्यू वीडियो डालो, जैकेट्स का रिव्यू वीडियो डालो, तो मैं नहीं डाल पाया, तो मैं अभी दिल्ली आया हूँ। तो अब से आगे आपको मस्त मस्त व्लॉग्स देखने को मिलेंगे अनबॉक्सिंग के, मेरे शूज हैं जो मैंने मंगवाए हैं नाइकी के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्यूमा के जो शूज थे वो आप लोग देख चुके हो, मैंने नाइकी के मंगवाए हैं, रेवोल्यूशन 5 या 6 है वो, मुझे नाम मैं भूल गया, वो भी मिंत्रा से मंगवाए हैं। ये जैकेट्स हैं, ये भी सारी मिंत्रा से मंगवाई है। ठीक है, तो गाइज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने ये वुलन कैप क्यों पहना हुआ जबकि दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है। गाइज ऐसा नहीं है, दिल्ली में ठंड है हाँ, लेकिन उतनी भी नहीं है कि घर के अंदर मुझे ये पहनने की जरूरत पड़े। लेकिन एक्चुअल में क्या है, मैंने अपना अभी हेयर कट करवाया है जिसकी वजह से फिर ये मैंने वुलन कैप पहनी है। ठीक है, तो आप लोग बताना वुलन कैप मेरे ऊपर कैसी लग रही है। ओके, ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको रेड टेप की जैकेट जो है वो ट्राई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जिससे आपको एक एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि वो मेरे ऊपर कैसी लग रही है। और आज मैं सारी जैकेट्स के साथ आप लोगों को प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने ये डिस्काउंटेड प्राइस में ली है, अभी आप लोग लोगे तो ये काफी ज्यादा महंगी आपको पड़ेगी। तो गाइस अभी सबसे पहले मैं आपको यह वेयर करके दिखाता हूँ, आप लोग देखना और बताना कि मेरे ऊपर कैसी लग रही है। अगर मेरे ऊपर अच्छी लग रही है तो भी ठीक है, अगर बुरी लग रही है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट कमेंट बॉक्स में बस आप लोग बता देना। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले गाइस ये है, पहले मैं इसी को ट्राई करता हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा ये कैसी जैकेट है, किस वेदर में आप इसको वेयर कर सकते हैं। मैं ये पहन चुका हूँ पहले भी, बट मैं आप लोगों को अब मैं दिखा रहा हूँ, ये रिव्यू वीडियो है तो मेरा काम है कि मैं सारे अपने भाई बहनों को ये सारी चीजें दिखाऊं। ठीक है, तो ये आप देखें गाइज, ये देखें, ये कुछ ऐसी लगेगी जब आप इसको पहनोगे तो ये आपके ऊपर कुछ ऐसी लगेगी। जैसे आप लोग देखो रेड टेप की जो साइट है वहां से भी आप मंगवा सकते हैं, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट, सब जगह आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप जब आप मंगवाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये एक्चुअल पहनने के बाद इसका लुक कैसा आएगा। तो देखो गाइज मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मेरी हाइट जो है वो है 5'8" 5'9", बाकी आप लोगों ने मुझे देखा ही हुआ है, मैं स्किनी सा हूँ, मैं कोई ज्यादा हेल्दी नहीं हूँ, मतलब फिट हूँ, मैं वैसे नहीं कहूंगी मैं बहुत ज्यादा मोटा टाइप हूँ, वैसा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो गाइस जो भी मेरे भाई हैं 5'8" 5'9" और 5'10" वाले, वह इस जैकेट को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी हाइट 5'8" 5'9" है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं इसका सामने से गाइस लुक कुछ ऐसा आ रहा है, बाकी आप पीछे से देख सकते हैं गाइस, पीछे से इसका लुक कुछ इस तरीके का है, साइड से गाइस आप देखें और सामने से तो मैं हुई,
बाकी देखो अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो इसका जो स्टफ है मैं आपको थोड़ा करीब आके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा इसका स्टफ, ठीक है, ये काफी मस्त है। अब इसकी पॉकेट्स की मैं बात करूँ, ये मैं आपको दूर से ही दिखा देता हूँ वरना फिर मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा। ओके ठीक है, तो ये गाइस देखिए ये इसमें पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स में दोनों साइड चेन मिलेगी आपको जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये आप देखें और ये है दूसरी चेन, ठीक है। तो ये हमने खोली चेन और ये इसकी पॉकेट्स हैं। देखो इसकी जो डेप्थ है, जो इसकी पॉकेट्स की डेप्थ है वो नीचे तक है बिल्कुल, जहां पे जैकेट का एंड है यहां तक इसकी डेप्थ है। आपके दोनों हाथ बहुत आराम से इसके अंदर आ जाएंगे, आपके हाथ में अगर ग्लव्स होंगे ना तो भी इसके अंदर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, दो पॉकेट्स इसमें सामने हैं और एक पॉकेट है इसकी अंदर ये भी, ठीक है, दूसरी पॉकेट इसके अंदर है ये भी। दो पॉकेट्स इसमें बाहर है और दो पॉकेट्स इसके अंदर है जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये अंदर की पॉकेट है, ये भी नीचे तक है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना पर्स वगैरह कुछ भी आपको रखना है वो सब, ठीक है। ये हो गया, अब बाकी इसमें बात करें, ये देखो ये रेड टेप का ये लोगो आ गया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब ये मैंने जैकेट ऑर्डर करवाई तो मुझे लगा था कि ये इंडियन ब्रांड है, बट रेड टेप इंडियन ब्रांड नहीं है, ये इंग्लैंड का ब्रांड है, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई बहन सोचते हैं कि इंडियन ब्रांड है तो ना सोचे, हो सकता है मैं ही बेवकूफ हूँ जो सोचता हूँ, बाकी सबको पता हो, बट हाँ मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो गाइस ये आप देख लेना, ठीक है, ये सामने से लुक इसका कुछ इस तरीके का है। बाकी इसमें देखो एक कैप भी है, जो मैंने ये वुलन कैप पहनी है, इसकी जरूरत नहीं है इसमें, ये आप इसमें सिर्फ ऐसे डालें और ऐसे आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके ऊपर भी आ रही मस्त लग रही है। बाकी ये देखो मुझे कलर बहुत पसंद आया। अब मैं आपको चेन बंद करके भी दिखा देता हूँ गाइस, तो आप ये देखें चेन बंद करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप इसमें हाथ डालें और उसके बाद आराम से मस्त घूमें चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे। अभी तो मैं कमरे में घूम रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे भाई बहन मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं वो इस जैकेट को लेके जा सकते हैं। देखो कितनी बर्फबारी हो कुछ भी हो, ये बहुत मस्त है, मैं सच बता रहा हूँ। बर्फ वगैरह का आपको पता ही नहीं चलेगा, ना इसमें आपको हवा का पता चलेगा, ठीक है। बाकी गाइस जो एक्चुअल लुक है वो आप लोग मेरे ऊपर देख सकते हैं, जो भी मेरे भाई बहन है 5'8" 5'9" 5'10" उनको इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि वो जब ये जैकेट को पहनेंगे तो उनके ऊपर ये कैसी लगेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ से क्वालिटी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये आप फिर से देख लीजिए साइड से, ये बैक से एंड ये फ्रंट से, ओके। तो गाइस मैं सच बताऊं तो ये कलर मुझे बहुत पसंद आया और ये जैकेट भी मुझे बहुत पसंद आई, ठीक है। तो एक कलर इसका ये हो गया, अब इसको निकालते हैं, मैं आपको दूसरी चेक कराता हूं। अब मैं आपको चेक कराता हूं यूएस पोलो की, ठीक है, यूएस पोलो वाली आप चेक कीजिए। बाकी तो बाकी गाइस मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, देखो ये फोल्ड करने के बाद ये कुछ इतनी सी हो जाती है, ये भारी नहीं है ज्यादा, लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट है, लेकिन ये गर्म है काफी ज्यादा, ठीक है। ये आप देखिए इतनी सी हो जाती है, ओके। अब इसको साइड करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ यूएस पोलो। वेट गाइस, ये है हमारी यूएस पोलो, ये जो है ये उससे भी ज्यादा लाइट वेट है, रेड टेप से भी ज्यादा, ये आप देखें ये उससे भी ज्यादा लाइट वेट है और ये बिल्कुल छोटी हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको पहन के दिखाता हूं आप लोगों को, फिर आपको आइडिया लगेगा कि यूएस पोलो मेरे ऊपर कैसी लग रही है। तो ये आप देखिए फटाक से मैं आपको पहन के दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं गाइज, ये है यूएस पोलो और ये जो है ये मेरे ऊपर कुछ इस तरीके की लग रही है। इसकी सबसे पहले क्वालिटी की बात कर लेते हैं, मैं आपको पास में आके दिखा भी देता हूँ। ये आप देखें इसका जो ये जो है फैब्रिक है, ये उससे भी ज्यादा हल्का है, उससे भी ज्यादा लाइट वेट है, इतना सा हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा है, बाकी इसमें पॉकेट्स की हम बात कर लें, ये है इसकी पॉकेट्स, ये भी काफी ज्यादा गहरी है, इन पॉकेट्स की भी काफी ज्यादा डेप्थ है। ये आप देखिए दोनों साइड इसमें भी पॉकेट है, दोनों साइड इसमें भी चेन है, इधर भी चेन है पॉकेट में, इधर भी चेन है, दो पॉकेट इसके अंदर है, ये आप देखें ये भी नीचे तक है और ये भी नीचे तक है। लेकिन जो इसकी पॉकेट है गाइस वो रेड टेप की जैकेट से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, इसमें आप ज्यादा सामान रख पाएंगे अंदर की तरफ, बाकी बाहर की पॉकेट तो दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, देखो ये यूएस पोलो की इसमें ब्रांडिंग यहाँ पे हो रखी है, बाकी और कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसमें गाइस एक चीज की प्रॉब्लम है, इसके अंदर आपको वो नहीं मिलता है जो हुडी वाली जो कैप होती है, वुलन कैप, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने से इस जैकेट का लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है, साइड से आप देखिए साइड से कुछ ऐसा है, बाकी पीछे से आप देख सकते हैं, बाकी फ्रंट में तो मैं आपके सामने हूं ही, ठीक है ठीक है। तो जो भी मेरे भाई बहन है जिसको ये कलर अच्छा लगा हो वो ये वाली जैकेट मंगवा सकता है, ठीक है। मुझे ये कलर अच्छा लगा मैंने इसलिए मंगवाई, बाकी ये लाइट वेट भी है काफी ज्यादा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि जैकेट कैसे क्या है। जैसे हमने जो रेड टेप वाली पहनी वो आप कितनी भी बर्फबारी में जाओगे उसको आप पहन के जाओ उसमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये उससे थोड़ी सी लाइट है, आप इसको विंटर में यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि स्नोफॉल में यूज करोगे, स्नो वाले वेदर में यूज करोगे, तो ये आपको उतना रिलीफ नहीं दे पाएगी जितना देना चाहिए किसी जैकेट को। वो रिलीफ आपको इसीलिए नहीं दे पाएगी, एक तो सबसे बड़ा लूपहोल है इसके अंदर, वो कैप नहीं है,
क्योंकि उसमें क्या कैप आप लगाओगे उसके बाद चेन बंद कर दोगे तो बर्फ आपको कहीं लगेगी नहीं, ठीक है। दूसरा ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी उससे हल्की है, क्योंकि देखो गाइस हर कंपनी अलग अलग तरीके से जैकेट्स को बनाती है, ठीक है। तो ये अलग सीजन के लिए है, वो वाली अलग सीजन के लिए है, ठीक है। बाकी ये आप मनाली में पहन के जा सकते हो, लेकिन लेकिन मनाली में जब बर्फबारी होगी तब आप रेड टिप वाली पहनना, वो बहुत बढ़िया काम देगी आपको, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बंद करके भी दिखा देता हूँ कि बंद करके मेरे ऊपर कैसे लग रही है, ठीक है। ये आप देखें, ये मैंने बंद कर दिया, ये कुछ ऐसी आपको लगेगी, ठीक है। पॉकेट्स में आप हाथ डालें, ग्लव्स पहन के कैसे भी करके मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसको भी साइड करते हैं, ठीक है। दो जैकेट आप लोगों ने गाइस देख लिए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ रेड टेप का जो हमारा सेकंड कलर है, ठीक है। बाकी जैकेट तो आप लोगों के सामने है, जो पहले वाली वीडियो थी उसमें इस जैकेट का कलर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, ये मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया, मैंने इसको यूज भी कर लिया काफी, वो इस वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो मैं जिम जाता हूँ तो भी इसको पहन के निकल जाता हूँ, ऐसे बन जाता हूँ, ठीक है। तो अब इसको गाइस हम साइड करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा रेड टेप का दूसरा कलर, ठीक है, ये आप लोगों के सामने, ये भी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, लेकिन पहनने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्राइस कितना है। ये आप देखिए गाइस, ये आप इसका प्राइस देख सकते हैं, हो सकता है आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, 7499 इसका प्राइस है, और जो मैं आपको बोला था ये बाहर का ब्रांड है, तो ये आप देख सकते हैं इंग्लैंड का ब्रांड है, ओके। तो ये 7499 इसका प्राइस है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये कितने में लिया, ठीक है। ये रहा इसका वो मिंत्रा जिसमें ये आया था, और इसी में बिल इसमें नहीं है, देखो इसमें शायद बिल होगा, बिल कहाँ गए इनके यार, माफी चाहता हूँ, बिल पता नहीं कहाँ पे गए गाइस, मुझे लग रहा है इसका जो बिल है वो मैंने कहीं और रख दिया, इसके अंदर तो नहीं है, ये खाली पड़े हैं, ठीक है। इसको साइड करते हैं, प्राइस मैं आपको एंड में बता दूंगा कि कौन सी जैकेट मैंने कितने की ली थी, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, ये मत सोचना कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह प्राइस नहीं बताएगा, फिर कमेंट में पूछते रहो, ऐसा नहीं है, मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये पहन के दिखाता हूँ, ये आप देखें कलर, ये कलर भी काफी लोगों को पसंद आया था, लेकिन जो मुझे पसंद आया, देखो मुझे तो वो ग्रीन वाला ही आया, बाकी मुझे पता है ये कलर आप लोगों को उससे भी ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन देखो भाई सबका अपना अपना फेवरेट कलर होता है, मुझे वो वाला पसंद आया, ठीक है। तो ये आप देखें, ये मैंने पहन लिया है, अब इसका फैब्रिक भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप देखें ये क्या क्वालिटी है इसकी, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पॉकेट्स है, ये आप देखें, ये यहाँ तक है, इसमें आराम से आप हाथ डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको यूट्यूबर होगा ना, वो ऐसे नहीं दिखाएगा बिल्कुल एक एक चीज, मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूँ वो इस वजह से क्योंकि मुझे वीडियो बनानी नहीं आती है, मैं तो सिर्फ बना रहा हूँ कि आप लोग देख लो जो है ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये आप देखें सेम है, इसमें भी दो पॉकेट इसके अंदर है, दो पॉकेट इसके बाहर है, दोनों पॉकेट में इसमें भी चेन है, इसमें भी चेन है। अब जो मैं आपको कंपैरिजन बता रहा था ना अंदर वाली पॉकेट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट देखो, ये रही रेड टेप, सॉरी ये रही यूएस पोलो, इसकी जो पॉकेट है वो आप देखेंगे ये कितनी वाइड है, ठीक है, ये बहुत वाइड है, इसके अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। बाकी ये है, ये भी वाइड है लेकिन उतनी नहीं है, ये आप देखें वो बहुत ज्यादा वाइड है यूएस पोलो की, ठीक है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये विंटर सीजन में मस्त काम देगी, जैसे आप बाइक वगैरह पे जा रहे हैं उसमें भी बढ़िया काम देगी। देखो अब इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी आप कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। ये लाइट वेट है आपका, सॉरी अभी गिरते गिरते बच गया क्योंकि नीचे बैठा, ये जो जैकेट है ये गाइस बहुत ज्यादा लाइट वेट है, और ये जो रेड टेप है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कि 10 ग्राम 20 ग्राम उससे ज्यादा वजन है इसमें, ठीक है। तो ये आप देखें, अब मैं ये आपको टोपा लगा के भी दिखा देता हूँ, देखो हमारे यहाँ जनरल भाषा में टोपा ही बोलते हैं इसे, तो आपके यहाँ कुछ भी बोलते हैं हम तो टोपा ही बोलते हैं, ये हुडेड जैकेट कहते हैं शायद इन्हें, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ओके। बाकी ये मेरी कैप है, ये आप बताना मेरे ऊपर कैसी लगती है, ये मैं मनाली से लेके आया था, हम लोग मनाली गए थे तो वहां से लेके आया था मैं, 3 से 4 ये मैं कैप लेके आया था, तो एक ये भी एक अभी बाहर रखी हुई है, 2 अंदर पड़ी हुई है, एक मैंने नहीं मैं ज्यादा कैप लेके आया था, एक मैंने दादी को भी भेज दिया है, ठीक है ये भी, ओके। तो ये अब आप देख सकते हैं, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है ये शर्ट के ऊपर ये वाला कलर जो है जैकेट का ये ज्यादा मैच कर रहा है, मुझे नहीं पता इसको कौन सा कलर कहते हैं, जहां तक मुझे पता है ये ग्रे होगा, ठीक है। बाकी अब मैं ये आपको बंद करके दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका लुक मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, ये आप देखें। अब तुम खुद बताओ यार तुम्हारा भाई ठीक लग रहा है जैकेट में, नहीं लग रहा, अगर बुरा लग रहा है तो भी बता दो, लेकिन यार बता तो दिया करो एटलीस्ट ना कमेंट में, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना मैं सच बता रहा हूँ मजा आ जाता है, चाहे आप कुछ भी बोलो कमेंट्स में यार अच्छा बुरा, मेरे पास तो काफी सारे कमेंट्स ऐसे भी आए उसमें कि भाई लिंक तो दे दिया करो, मेरे हाथ में झटका लग गया। तो क्या है ना कि जैसे मैं आपको बता रहा कि लोग कहते हैं कि भाई आप लिंक ही नहीं देते, यार मुझे पता ही नहीं है लिंक कैसे डालते हैं, मैंने अब सीखा है, अब ये जो मैं वीडियो डालूंगा इसमें आपको लिंक भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा इसमें, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी दिल्ली में
आज की जो डेट है वो भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है वीडियो में पहले शूट कर रहा हूँ, आज ही शूट कर रहा हूँ और आज या कल में ही मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। रुको कहाँ पे, ये रहा। तो गाइज ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने है। डेट क्या है इसमें आपको पता नहीं, उल्टा दिख रहा सीधा दिख रहा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको दिख रहा होगा। ये सिद्धू भाई है अपने, जो कि मेरे सारे फॉर्म्स में है, ठीक है। तो गाइज आज जो तारीख है वो है 24 तारीख, कल आपका क्रिसमस है 25 को, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आज ही अपलोड कर दूं ताकि आप आज ही देख लो, उसके बाद अपने हिसाब से आप जैकेट्स को ऑर्डर करवा लो, ठीक है। बाकी गाइज अब ये जो लुक था ये आप लोगों ने देख लिया है, सामने से कुछ ऐसी लग रही है, साइड से कुछ ऐसी, पीछे से कुछ ऐसी, ठीक है। बाकी देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, मुझे नहीं पता वीडियोस कैसे शूट करते हैं, तो जो ओरिजिनल होता है मैं तो वही बोलता हूँ, जो मेरे माइंड में होता है मैं वही बोलता चला जाता हूँ। मैं कोई ऐसे नहीं कुछ लिखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ भाई ये बोलना है, अपने जो भी यूट्यूबर्स भाई हैं उनको दिखाना है, जो भी मुझे दिखता है कि नहीं यार राहुल कितना बढ़िया बंदा है, मतलब एक एक चीज तरीके, नहीं नहीं भाई मुझे नहीं आता, आप लोग मेरे भाई बहन हो, आप लोग देखो वीडियो, मजा आए तो भी अच्छा, नहीं मजा आए तो गालियां दे दिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके तो अब मैं इसको साइड करता हूँ और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसको साइड करने का सबसे मेन रीजन क्या है कि मुझे लगने लग गई है इसके अंदर गर्मी, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी गर्म है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सच में इसके अंदर गर्मी लगने लग गई। जब आप इसको मनाली में पहन के जाएंगे ना आपको मजा आ जाएगा, बर्फ का आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। अब ये बात करते हैं इन जैकेट्स के प्राइस की, ठीक है। एक जैकेट ये हो गई, दूसरी जैकेट हमारी ये हो गई, तीसरी जैकेट हो गई हमारी ये, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये रेड टेप पहन लेता हूँ क्योंकि ये मुझे पहनने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत कोजी कोजी फील होता है जब भी हम कपड़े पहनते हैं ना, मस्त मजे आते हैं। ओके देखो यार कलर मुझे यही पसंद है, बेशक आप लोगों को दूसरा वाला पसंद आया, मुझे तो ये मस्त लगा भाई, ठीक है। ओके तो अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो गाइस जो इसका ऑनलाइन प्राइस है वह आप जब देखोगे ऑनलाइन साइट्स पे, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेमेजोन जो भी है, यार मैं बैठ जाऊं क्या, मैं बोलते बोलते थक गया। ओके तो गाइस अब मुझे लग रहा है अजीब लग रहा हूँ, ठीक है मैं खड़ा हो जाता हूँ। ओके थोड़ी देर की वीडियो है, खत्म हो जाएगी 2 मिनट और मैक्सिमम, ठीक है। ओके तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस जो इसका प्राइस है ऑनलाइन, आप जब आप चेक करेंगे तो ये 2400 या 2300 या 2100 2000 के करीबन ही आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन यह जो मैंने मंगवाई थी, ये मैंने मंगवाई थी 1399, ये 1399 की मैंने मंगवाई थी, ये ऑफ में मैंने मंगवाई थी, मे भी मुझे 70% ऑफ मिला था, पता नहीं कितना मिला था, मैं भूल गया, मैं आपको बिल दिखा था बट बिल इसमें है नहीं, मैंने कहीं पे एक जगह रख दिए हैं सारे बिल, इसलिए इसमें नहीं है, और मैं आपको जरूर दिखाता, ठीक है। तो ये 1399 की मंगवाई थी मैंने, मतलब आप 1400 रुपए की इसको मानो, 1399 बोलता रहूंगा ना तो मैं खुद ही अटक जाऊंगा, ठीक है गाइस। तो ये 1400 रुपए की मैंने ये मंगवाई थी, ठीक है। 1400 रुपए आपको दिख रहे होंगे, 1400 रुपए आप बताओ ये वर्थ है या नहीं है, मुझे लग रहा है वर्थ है। आप बाहर भी कोई जैकेट खरीदोगे बिना ब्रांड की या कॉपी, वो भी बहुत ज्यादा महंगी मिलेंगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर 1400 रुपए में आपको रेड टेप मिल रही है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रही 1400 रुपए की, ये है आपकी रेड टेप, ये भी 1400 की है, ठीक है। ये 1400, ये भी 1400, ठीक है। ये दोनों जैकेट आप कहीं भी पहन के जा सकते हो, कितनी ही सर्दी हो हर सर्दी में आपको मजा आएगा, चाहे मनाली जाओ, बर्फ में जाओ, कहीं भी जाओ, ये जैकेट पहन के जाओ आपको ठंड का एहसास ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जैकेट उसके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी अब है ये वाली जैकेट, अब इसकी बात कर लेते हैं, यूएस पोलो, इसको भी आप कहीं भी पहन के जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप बर्फ वगैरह में जाओगे या कोई बाइक पे आप जाओगे, बाइक जब आप चलाओगे तो उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि हवा कहीं ना कहीं लग रही है, ऐसा फील हो सकता है, हवा आर पार नहीं होगी, लेकिन ये आपको उतना रिलीफ नहीं देगी जितना ये रिलीफ देगी, ठीक है। बर्फ के लिए ये अच्छी है और बाकी वेदर के लिए, हल्की ठंड के लिए, दिल्ली के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैं डेली पहन रहा हूँ इसको, मैं जिम जाता हूँ तो इसी को पहन के जाता हूँ, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं गाइस, तो ये जो यूएस पोलो है ना ये इससे महंगा है, रेड टेप मुझे ऑफ में सस्ता पड़ा, लेकिन ये मुझे पड़ा 2300 का, ठीक है। मेरे हिसाब से इसलिए पड़ा क्योंकि ये लाइट वेट है, और मतलब हो सकता है कि यूएस पोलो इस वजह से महंगा हो, रेड टिप तो क्योंकि काफी टाइम से इंडिया में, ये मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन ये मुझे 2300 का पड़ा था, ठीक है। ये मुझे पड़ा था 1400 का, ठीक है। तो आप ये वाली जो जैकेट है ये आप पहन के घूमो, मस्त मजा आएगा आपको, ठीक है। बाकी यार रेड टिप तो रेड टिप है, देखो भाई रेड टिप में आपको मजा आ जाएगा, इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल मस्त है, ठीक है। अब ये जो साइज की मैं बात कर लेता हूँ, साइज की मैं आपको बात कर लेता हूँ, साइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहा गया। ओके ये आप साइज देखें कि मैंने क्या साइज मंगवाया है, इसमें लिखा क्यों नहीं है कलर साइज 40। ओके ये है देखो गाइस, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो साइज मैंने मंगवाया है 40 मैंने मंगवाया है, ये है आपका मीडियम साइज, ठीक है। ये है मीडियम, आपको दिख रहा है ये मीडियम साइज है। ओके अब मैं ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा, मैं आपको एक बार वैसे दिखा देता हूँ,
ये आप देखें, ये भी मीडियम है, ठीक है। तो अब जो भी मेरे भाई बहन है, जो भी मेरे भाई बहन है जिनकी हाइट है 5'8", 5'9" और 5'10", वो लोग इस जैकेट को मंगवा सकते हैं। लेकिन साइज मंगवाना एम, गलती से भी आप वो मत मंगवा लेना एल, क्योंकि एल साइज आपके बड़ा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहूँ तो देखो इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 5'10" तक, 5'8" से लेके 5'10" तक जिनकी हाइट है उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। गलती से भी आप लोग एल साइज मत मंगवाना, क्योंकि देखो आजकल ऑनलाइन जब आप मंगवाओगे तो एक तो रिफंड का और रिटर्न का बहुत बड़ा लफड़ा है, तो उस चीज में मत फंसना। मेरे कहने पे आप लोग एस साइज मंगवा, सॉरी एम साइज मंगवा लेना, एम साइज बिल्कुल आपके परफेक्ट फिटिंग आएगा, ठीक है। बाकी आजकल कॉपी भी बहुत है जैकेट्स की, रेड टेप की बहुत ज्यादा कॉपी आ रही है, तो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहना। कहीं आप इधर उधर से ले लो तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना। बाकी जब आप स्टोर जाओगे रेड टेप के, जहां पे भी आपके नियर बाय स्टोर होगा वहां पे भी आप जाकर खुद भी पहन के देख सकते हो। बाकी मैंने तो आपको पहन के दिखाई दी है, ठीक है, ये हो गया। बाकी और मुझे आपसे क्या बात करनी है मैं भूल गया, हाँ मुझे याद आ गया, ठीक है। देखो यही होता है, जब हम कुछ लिखते नहीं है ना, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, तब दिमाग में भी हम चीजें भूलते चले जाते हैं। जब हम स्क्रिप्टेड होती है कोई चीज तो हमें याद रहती है क्या बोलना है। और देखो मेरे कहने पे आप लोग ये रेड टेप की जैकेट मंगवा सकते हैं, बहुत मस्त जैकेट है, यूएस पोलो भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं दोनों में से जो कहूंगा मैं कहूंगा रेड टेप मंगवाओ। बाकी जो आपकी वाइल्ड क्राफ्ट की जैकेट है वो तो जब मैं रिव्यू वीडियो डालूंगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मंगवानी है। बाकी जो जो वाइल्ड क्राफ्ट की जैकेट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, ठीक है गाइज। तो गाइज जो आज का व्लॉग था वो यही था। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, गुड बाय। जड़ी गहरा सरो पाई ओपोजिशन नहीं हुंदी, जड़ी हेट नाल देखी सही विजन नहीं हुंदी, जेड़े मेरे विच कमियां ने कट दे ओ भाई जी, विचारां दी कंपोजिशन नहीं हुंदी।